मालूमात बहाल करने वाला कान का 3D पर्दा फरोख के लिए तैयार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने 3D प्रिंटर से ये मस्नूई कान का पर्दा बनाया है। इसे तिबले गोश कहा जा सकता है। फोनोक्राफ्ट नामी 3D प्रिंटेड पर्दे की तजारती पैमाने पर तैयारी शुरू हो गई है। हाजमे की नाली में जख्म भरने वाला जदीद 8 पट्टी एजाद। हाइड्रोजल से ये नई पट्टी या पेवन बनाया गया है। ये बर्फ रफ्तारी से आंतों के अंदरूनी जख्म भर सकता है। इससे कबल भी कई तरह के पाए बनाए गए हैं, लेकिन आंतों से खारिज होने वाले कई तरह के केमिकल पट्टी को भी पिघला देते हैं, लेकिन ये पेवन 4 तरह के कीमिया इज्जा को सह सकता है। जल्द ही आंतों की अंदरूनी सर्जरी के बाद इस पेवन को जख्म भरने में इस्तेमाल किया जाएगा। टेस्ला कंपनी ने इंसानुमा AI रोबोट बनाने का ऐलान कर दिया। इस रोबोट को टेस्ला ने ऑप्टिमस का नाम दिया है। ये स्मार्ट रोबोट खतरनाक बार बार अंजाम दिए जाने वाले उकताहट भरे कामों को अंजाम दे सकेगा। ऑप्टिमस की ऊंचाई 173 सेंटीमीटर और वजन 57 किलोग्राम के करीब होगा। इसे हरकत देने के लिए कुल 40 एक्चुएटर्स नस्ब किए जाएंगे। तमाम एक्चुएटर्स बरकी मकनातीसी अंदाज में काम करते हुए रोबोट के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देंगे। अगले साल रोबोट का पहला नमूना सामने आ जाएगा। गूगल ने टेक्स्ट पैगामात को शेड्यूल करने के लिए फीचर मुतारिफ करा दिया। ये फीचर एंड्रॉयड मोबाइल फोन रखने वाले सार्फिन के लिए कारआमद है। जो अपने टेक्स्ट पैगामात टाइप तो करना चाहते हैं, लेकिन फौरी तौर पर भेजना नहीं चाहते, जैसे कोई सालगिरह मुबारक या किसी खास दिन का पैगाम किसी खास वक्त पर भेजना चाहें, तो इस फीचर से फायदा उठा सकते हैं। और तजर्बा गाह में तैयार करदा छोटे इंसानी दिमाग में आंखें भी निकल आईं। इसे यूरोपीय माहिरीन ने इंसानी खुलियात साख की मदद से तजर्बा गाह में तैयार किया। साइंसदानों ने इस नन्हे मुन्ने दिमाग पर छोटी छोटी आंखें उगाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस पेशरफ की बदौलत हमें रहमे मादर में बच्चे की नशोनुमा के इब्तदाई मराहिल समझने में मदद मिलेगी। मुमकिन तौर पर आंखों का बेहतर इलाज भी मुमकिन हो सकेगा। धरती न्यूज़, धरती की हर खबर से रखे बाखबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों से हम वक्त अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर में टाइप कीजिए धरती न्यूज़ और डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड ऐप।